बिल्कुल। अभी एक और आपने बीच में बंगाल चुनाव का जिक्र किया तो उस पर भी बात कर लेते हैं। बंगाल चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा तो एक पैटर्न है, वामपंथ के समय, कांग्रेस के समय, और फिर ममता बनर्जी का जब वहां पे जन्म हुआ राजनीतिक तौर पर, एक तरीके से वो चलता है। लेकिन 2 मई के बाद जिस तरीके से एक हिंदू विरोधी हिंसा होते बोल सकते हैं, यहाँ तक कि जो खबरें आती हैं ये तक कि वहाँ पे कुछ इलाकों में हिंदू महिलाओं के बारात में बाजार भी लगाए जाते हैं, उनको नीलामी की जाती है, उसके बाद भी ऐसी खबरें और हिंसा, बीजेपी के कई सेक्टर अध्यक्ष मारे गए, जिनको एक था अभिजीत सरकार, इसने फेसबुक लाइव किया था कि मुझे मारने के लिए गुंडे आ रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को टैग भी किया था, उसके बावजूद उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके परिवार वालों को मारा जाता है, उसके बावजूद भी वहां पे सेंट्रल फोर्सेस का ना भेजना या राष्ट्रपति शासन के लिए कोई कार्य नहीं करना, शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी, ये क्या कहती है? देखिए रवि जी, इस प्रश्न को जो आपने मेरे से प्रश्न किया, मैं इसको वापस आपसे करता हूँ। माफी चाहता हूँ, इंटरव्यू आप ले रहे हैं लेकिन मैं आपसे करता जी जी हूँ। आपने पूछा कि सेंटर की जो चुप्पी है, सेंटर के मुखिया हैं माननीय मोदी जी, बिल्कुल क्या ये उनकी छवि के लिए उचित था? नहीं था। नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कान खोलकर और दिमाग की खिड़की खोलकर इस बात को सुन लेना चाहिए। जी हमने, इस देश की जनता ने केंद्र में आपको एक पराक्रमी योद्धा के रूप में बैठाया है, और आपको एक पराक्रमी योद्धा के रूप में ही वो देखना चाहते हैं। बिल्कुल बंगाल के अंदर जब आप चुनाव लड़ने गए, ममता बनर्जी के 10 साल के कार्यकाल से पहले 30 साल का वामपंथियों का कार्यकाल, लगभग 40 साल से बंगाल के अंदर, वहां की बंगाल की जनता और हिंदू पहले वामपंथियों के अत्याचारों से वो पीड़ित थे, फिर 10 साल के ममता के इस्लामिक जिहाद से वो पीड़ित थे। जब माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए गए, उन्होंने अपनी बात लोगों के सामने रखी, तो वहां लोगों को एक विश्वास पैदा हुआ कि हाँ, कोई है जो अब हमारे लिए आया है, हमें उसके जी साथ खड़ा होना चाहिए। बंगाल के लोग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हैं, जी उनका साथ देते हैं। जी कोई भी कारण रहा हो, आपको चुनाव में वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी आप कल्पना कर रहे थे। जी आप बंगाल छोड़कर दिल्ली में आ गए और उन लोगों को भेड़ियों के शिकंजे में छोड़ आए। जी आपको वहां बैठना था। ममता ने चुनाव के समय कहा था कि ये सेंट्रल फोर्सेस वापस चली जाएंगी, मोदी, अमित शाह, नड्डा वापस चला जाएगा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, वो एक धमकी दे रही थी। और नतीजा जी वो हुआ कि जिस दिन चुनाव परिणाम आए, उसी दिन से बंगाल के अंदर हिंसा शुरू हो गई। जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थकों के घर जला दिए गए, उनको जी मारा गया। जी सिर्फ क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इतना ही फर्ज बनता था कि वो टीवी पर आकर सिर्फ विक्टिम का रोल प्ले करें कि देखो ममता जी ये कर रही है, ममता वो कर रही है? अरे, ममता ने जो करना था वो कर दिया, आपने जो करना था आपने वो नहीं किया। जिस जी पराक्रमी योद्धा को हम देखते थे, वो पराक्रमी योद्धा घर में जाके घुस के चुपचाप होके बैठ गया, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो जी अपने लोगों को मरता हुआ छोड़ के आ गया। एक नेता के, एक लीडर के, एक कमांडर का ये लक्षण नहीं होता है कि वो अपने लोगों को मुसीबत के समय छोड़कर चला जाए। जी आप केंद्र की सरकार में थे, आप सेंट्रल फोर्सेस वहां भेजते, उनके जीवन की जी सुरक्षा का दायित्व तो आपके ऊपर था। आपके देश के, आप देश के प्रधानमंत्री थे, जी आपने कैसे उनको गुंडा मवालियों के बीच में छोड़ दिया? तो जो कलंक, बिल्कुल ये जो अपयश बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर है, इसको धुलने के लिए इनको ना जाने कितनी बार गंगा का स्नान करना पड़ेगा, और शायद तब भी इनके पाप ना धुले जाए। वो बिल्कुल लोग क्या अगले 5 साल बाद जो चुनाव आएंगे वो इनके साथ खड़े होंगे? नहीं खड़े होंगे। इनको शर्म आनी चाहिए थी। इन्होंने अपना इकबाल बुलंद ना करके उसको गिराया है। अभी भी अगर इनको शर्म आए तो इनको जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल यही मेरा रोष।